एक सेकेंड यार, इसे निकाल लेते हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सा चार्जर ओरिजिनल होगा। शायद ये वाला होगा। नहीं यार, अजीब सा दिख रहा है ये नहीं होगा। शायद ये वाला ओरिजिनल होगा पक्का। लेकिन यार इसका डेटा केबल ओरिजिनल होगा क्या? ये अजीब सा लग रहा है। नहीं, फिर तो ये लास्ट वाला पक्का ही ये ओरिजिनल होगा। लेकिन यार इसका अडेप्टर कुछ अजीब सा दिख रहा है। उफ, क्या करूँ यार। क्या आप भी ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी आप कोई चार्जर या फिर डेटा केबल खरीदते हैं? आपको समझ नहीं आता कि भैया आखिर इनमें से कौन सा जो चार्जर है वो ओरिजिनल है, इनका जो डेटा केबल है वो कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक है? क्या आप भी हर वक्त खरीदते वक्त ऐसे ही कन्फ्यूज होते हैं? तो शायद अब आप इस वीडियो को देखने के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। वेल दोस्तों, कई बार हमारे मोबाइल का चार्जर खराब हो जाने पे या फिर डेटा केबल खराब हो जाने पे कई बार हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ओरिजिनल चार्जर या फिर डेटा केबल। या फिर इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, हम किसी मार्केट में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, और वहां से हम मोबाइल के चार्जर या फिर डेटा केबल को खरीदते हैं ओरिजिनल कह के। तो जब आप दुकानदार से बोलते हो कि हमें ओरिजिनल चार्जर चाहिए, तो ऐसे में वो दुकानदार आपको बोलता है कि हाँ ये ओरिजिनल चार्जर है और आपको इतना महंगा पड़ेगा। अब ऐसे में कई दुकानदार ऐसे होते हैं जो आपको ठग लेते हैं, आपका पोपट बना देते हैं, आपको लोकल चार्जर देके आपसे कहते हैं कि ये ओरिजिनल चार्जर है। तो ऐसे में भैया आपका पोपट बन जाता है। तो पोपट बनने से अच्छा है ना वीडियो पूरा देख लो भैया और थोड़ा सा ज्ञान ले लो, ताकि इन फ्यूचर अगर आप भी किसी भी तरह का चार्जर खरीदते हो ओरिजिनल या फिर डेटा केबल खरीदते हो, तो ऐसे में भैया आप आसानी से देख के पहचान जाओगे कि जो चार्जर है या फिर डेटा केबल है वो ओरिजिनल है या फिर लोकल है, और ऐसे में आप पोपट बनने से बच भी जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनु सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। टिप्स नंबर 1, ओरिजिनल चार्जर और फेक चार्जर के बीच में एक डिफरेंस है जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि कौन सा चार्जर ओरिजिनल है। तो आप ध्यान से देखना, जितने भी चार्जर होते हैं चाहे वो ओरिजिनल हो या फिर लोकल हो, उनके कॉर्नर को हमेशा चेक करना। जहां पर भी आप यूएसबी केबल को कनेक्ट करते हो तो आप देखना ओरिजिनल और लोकल चार्जर के जो भी वो कॉर्नर होते हैं उनके बीच में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो फेक चार्जर में ध्यान रखना, ये जो एजेस है या फिर कह लो कॉर्नर है, उसमें जो भी कट्स है वो आपको अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी जो फिनिशिंग होगी वो अच्छे से नहीं होगी या फिर एजेस जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी ये एजेस होते हैं या फिर कॉर्नर होते हैं उनमें हल्का फुल्का कट देखने को मिल जाता है, जबकि यही चीज ओरिजिनल चार्जर में आपको चारों तरफ से जो भी एजेस है वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे। वहां पर आपको किसी भी तरह का कट्स देखने को नहीं मिलेगा, यानी जो इसकी फिनिशिंग होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। चारों तरफ से आपको जो एजेस है वो बिल्कुल आपको बराबर देखने को मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते कि भैया हाँ ये ओरिजिनल चार्जर है। क्योंकि यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप जहाँ पे भी ये यूएसबी आप कनेक्ट करते हो वहाँ पर दोस्तों जो भी उसका जो होल होगा या फिर कह लो छेद होगा वो थोड़ा सा लोकल चार्जर में बड़ा होगा, जबकि ओरिजिनल चार्जर में ये जो शेप होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा जब भी आप डेटा केबल को कनेक्ट करोगे। टिप्स नंबर 2, अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपके मोबाइल के चार्जर में जो भी यूएसबी केबल है वो ओरिजिनल है या फिर फेक है, या फिर इन फ्यूचर मान लीजिए आपका डेटा केबल कभी खराब हो जाता है और आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो या फिर मार्केट से खरीदने जाते हो, तो ऐसे में आपको पता करना है कि ये ओरिजिनल है या फिर फेक है। तो ये कैसे पता किया जा सकता है? बहुत ही आसान है, चुटकियों का काम है। तो ध्यान से देखना, जब भी आप इस केबल को फोन से कनेक्ट करेंगे तो ओरिजिनल केबल में वो पूरी तरह से कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का स्पेस देखने को नहीं मिलता, ये जो केबल है वो पूरी तरह से कनेक्ट हो जाता है, यानी लॉक हो जाता है। जबकि अगर आप कोई लोकल या फिर कहो फेक यूएसबी केबल यूज़ करते हो या फिर खरीदते हो, तो वहाँ पर आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हो तो वहाँ पर आपका जो फ़ोन है वो कनेक्ट तो हो जाता है, लेकिन वहाँ पर आपको जो भी कनेक्टर है उसके बीच में वहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि ये पहचान करता है कि जो यूएसबी केबल है वो फेक है। मतलब ये कि आप लोकल यूएसबी केबल और ओरिजिनल यूएसबी केबल में जो भी कनेक्टिंग पॉइंट है उसे आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपको लोकल यूएसबी केबल में जो भी कनेक्टिंग पॉइंट होगा या फिर कह लो इंटरलॉकिंग पॉइंट होगा वो आपको थोड़ा सा लंबा देखने को मिल जाता है, जबकि यहीं पर आपको ओरिजिनल यूएसबी केबल में ये एकदम परफेक्ट साइज का देखने को मिलता है, जिससे आप जैसे ही फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह का स्पेस देखने को नहीं मिलता। तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि भैया कौन सा यूएसबी केबल ओरिजिनल है या फिर कौन सा लोकल है। टिप्स नंबर 3, वेल दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते ही हैं, जितने भी ओरिजिनल चीज होती है उसकी जो भी क्वालिटी होती है, बिल्ड क्वालिटी होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है एक लोकल चीज या फिर कहें
फेक चीज़ के मुकाबले। सेम इसी तरह दोस्तों यहाँ पर लोकल चार्जर या फिर कहें लोकल यूएसबी और ओरिजिनल चार्जर या फिर कहें ओरिजिनल यूएसबी के बीच में जो भी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अलग लेवल की होगी। तो हमेशा ध्यान रखना ओरिजिनल चार्जर के अडेप्टर का जो भी वेट होगा वो थोड़ा सा भारी होगा लोकल चार्जर के अडेप्टर के मुकाबले। इसके अलावा अगर आपको चेक करना है कि केबल जो है वो लोकल है या फिर ओरिजिनल है, तो यहाँ पर आप लोकल और ओरिजिनल केबल के जो भी क्वालिटी है उसके बीच में डिफरेंस देख के पता लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा ओरिजिनल केबल हमेशा थोड़ा सा हार्ड होगा और ऐसे मोड़ोगे तो ये दोबारा से सीधा हो जाता है, यानी इसे आप टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो ये दोबारा से सीधा हो जाता है। जबकि लोकल चार्जर के जो भी यूएसबी केबल होता है अगर आप उसे ऐसे मोड़ोगे तो वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, मतलब चार्जर का जो भी यूएसबी केबल क्वालिटी होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और ढीला टाइप का होता है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ भैया ये जो यूएसबी केबल है वो ओरिजिनल है या फिर फेक है। टिप्स नंबर 4, अगर आपको चेक करना है कि जो भी यूएसबी केबल है या फिर कह लो चार्जर है वो ओरिजिनल है या फिर फेक है, तो हमेशा ध्यान रखना जितने भी ओरिजिनल चार्जर होते हैं उनका जो भी कनेक्टिंग पॉइंट होता है या फिर कह लो कॉर्ड होता है वहाँ पर आपको ये सिंबल देखने को ज़रूर मिल जाता है। जबकि आपको कुछ ऐसे चार्जर होते हैं जो कि फेक होते हैं, लोकल होते हैं, उनमें आपको ये सिंबल देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलते भी हैं तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस पता करना है कि जितने भी चार्जर होते हैं ओरिजिनल उसमें आपको ये जो सिंबल है वो आपको थोड़ा सा लाइट दिखाई देगा, जबकि आपको फेक या फिर लोकल चार्जर में ये आपको थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा और थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा। यही नहीं दोस्तों, यहां पर अगर आप इस सिंबल को ध्यान से देखोगे लोकल चार्जर और ओरिजिनल चार्जर के बीच में, तो यहां पर आपको ये सिंबल थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा लोकल चार्जर में, जबकि यहां पर आपको ओरिजिनल चार्जर में ये सिंबल आपको परफेक्ट साइज में दिखाई देगा। तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है जिससे आप पता लगा सकते हो कि चार्जर जो है वो ओरिजिनल है या लोकल है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जिनसे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी चार्जर है या फिर कह लो यूएसबी केबल है वो ओरिजिनल है या फिर फेक है। आई होप अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इसे शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।